हेलो माय जॉय फैमिली, वेलकम करता आप सभी लोग का हमारे जस्ट क्लोज का यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कैरम्बल के अंदर अनलिमिटेड कॉइन्स और जेम्स बनाकर दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने ही आईडी में, फेसबुक आईडी में देख सकते हैं। मैं अपने आईडी में बना चुका हूँ, तो किस तरह मैं बनाता हूँ आप भी सीख लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो मैं वीडियो के अंदर आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो इस तरह इंटरफेस मिलेगा आपको, उसको कैंसिल करके आप थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। एक्सट्रैक्ट एपीके पर क्लिक करें। एक्सट्रैक्ट एपीके पर क्लिक करने के बाद कैम्पल को सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट, फिर लोकेट, उसके बाद आपको मिल जाएगा बाई तरफ कैरम डेस्क बॉल। उसके बाद व्यू पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको लिख बाई तरफ एक चार्ट खोल कर आ जाएगा। उसमें से आपको क्लासेस थ्री डेक्स जो है इस पर टैप करना है। करने के बाद डेक्स एडिटर प्लस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद ओके करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस खोल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सर्च करना है आपको, सर्च इन न्यू जो भी हो वैल्यू लिखना है आपको, यहाँ लिख कर ओके कर देना है आपको। ठीक है, इतना सा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ सिर्फ ऊपर का दो टिक मार कर देना है आपको, फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो है उस पर क्लिक करके 25 वाला उस पर यहाँ लिखना है आपको नंबर। ध्यान से देख लीजिए 198, उसके बाद लिखना है आपको 043, फिर यही ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद आपको बैक आने के आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ देखना है, देखिए वैल्यू लिखा है ना इस पर मिनी क्लिप वाला, इस खाली के दरमियान आपको फिर 27 शायद होगा ना, 27 ही है। इसको जूम करके दिखा दो, आपको यह लिखना है 198043। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या कॉइन्स। उसके बाद यहाँ जो खाली देख रहे हैं ना माउस के कर्सर के नीचे, यहाँ आपको लिखना है डायमंड 9853 9853 50। ठीक है, हो गया। और भी कुछ काम बाकी है और कभी आईने बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ एक खाली जगह है, यहाँ आपको लिखना है डायमंड ही कॉइन्स 198043। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट दे देना है। स्टार्ट देने के बाद आपको डायमंड लिख देना है। ठीक है, डायमंड नहीं, शुरू का जो वो डायमंड है और पीछे का जो वो कॉइन्स है। ठीक है, उसके बाद हमें कर देना है, शायद सेव कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें सीधा सेव कर देना है। तो सेव कर क्लिक करके आपको फिर जाना है यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद जो स्टार वे है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखना है 39 वाले पर आपको कुछ एडिट करना है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं 39 वाले पर, देख लीजिए ध्यान से। तो 39 का ये रहा मेथड पब्लिक जो लिखा है ना, इस पर हमें लिखना है 98। ठीक है, ध्यान से देख लेना 985350 लिख कर हमें कर देना है सेव। फिर हमें सेव के बटन पर ऊपर जो फाइल सेव है, तो हमें हमारा काम एक काम हो चुका है। और दूसरा काम है, दूसरे एक एप्लीकेशन है ऐप क्लोनर आर्म। ये डाउनलोड कहाँ से करना है मैं वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब फिनिश करने के बाद आपको वो जो फाइल बाई तरफ जो फाइल का ऑप्शन है ना, हाँ यही, इस पर क्लिक करके आप ये सब एग्री कर देना। फिर फ्रॉम ए फाइल नीचे, फिर अलाउ करके आपको जाना है उस फोल्डर को ढूंढना है MT2 जो हमने अभी सेव किया ना फाइल एडिट करके वो। फिर एपीके, फिर देखिए कैरम डेस्क पुल, फिर एक दो सेकंड के अंदर हो जाएगा। फिर हमें करना है ऊपर यह, हाँ ये जो है ना ऑप्शन, आप LLB इसको ऑन कर देना। ठीक है, LIB जो है वो ऑप्शन ऑन कर देना। उसके बाद हमें करना है
ये जो है ना प्राइवेसी, प्राइवेसी पर क्लिक करके हमें ये ऑप्शन ऑन कर देना है। कौन सा ऑप्शन ऑन करेंगे देख लीजिए, ये जो है ना रेंडमाइज बिल्डअप का ऑप्शन, उसको ऑन कर देना है। और ये बस हमारा काम हो चुका है प्राइवेसी के अंदर। अभी हम जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके डू नॉट शो अगेन पर क्लिक करके कुछ सेकंड, यानी मान लीजिए आपको तकरीबन 30-35 सेकंड तक वेट करना है आपको। मेरा मोबाइल बहुत ही हैवी है इसलिए हो गया। और अभी हम यहाँ से इंस्टॉल करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो अभी हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी जो मैंने आपके सामने जो कारीगरी दिखाया उसका फाइनल रिजल्ट दिखाने का समय आ चुका है। ये जो हमें अभी इंस्टॉल किया था वही है ये। कब इंस्टॉल करने के बाद मैं आपके सामने फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको विश्वास और यकीन हो जाए कि ये ठीक ही है। फेसबुक काम करता है। तो कंटिन्यू ऐसे हो गया, देखा आपने, देखा मेरे चैनल का लोगो भी आ चुका है और अनलिमिटेड कॉइंस और जेम्स भी आ चुका है आपके सामने। तो कैसा लगा, आप वीडियो को पूरा शुरू से देख लीजिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट हार्ड टाइप का ये वर्क है, क्योंकि एपीके बनाना या तो कोई भी सॉफ्टवेयर को एडिट करना किसी के बस की बात नहीं। ध्यान से आप देख लीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, आपको दूसरी कहीं जगह नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, आप दूसरे ढूंढ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, गोया कि मैंने आपको उंगली पकड़ कर सिखाया इस तरह ना। मैंने माउस से आपको दिखा दिखा चुन चुन कर क्लिक करके करके तो डाउनलोड भी सीख लेते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको लिखना है एम टी मैनेजर, ठीक है, जो पहले हमने एडिट किया था वो एम टी मैनेजर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वेबसाइट खोल के आएगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको क्लिक करके आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। फिर कुछ चक्कर लगाएगा आपको, घुमाएगा फिराएगा, फिर डाउनलोड पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए आप। फिर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद उस तरफ चक्कर फिराने के बाद आ जाएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके आंखों के सामने खुलकर। तो डाउनलोड एनी वे पर क्लिक कर दे। और दूसरे नंबर पर जो है वो है ऐप क्लोनर आर्म, वो दूसरे नंबर वेबसाइट से आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। और चीटो बॉक्स का अगर आपको अनलॉक चाहिए कुछ तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप चीटो बॉक्स को फ्री अनलॉक कर सकते।